मोदी सरकार ने पहली बार मानसून का विशेष 5 दिवसीय सत्र बुलाया है। ये सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच 5 बैठकों का होगा। सरकार का तर्क अलग है, लोगों का तर्क अलग है। एक तरफ देश की विपक्षी पार्टियां आशंका जता रही हैं कि समय से पहले चुनाव होगा, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार से लेकर देश के कई दिग्गज यह आशंका जता चुके हैं। संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है, सरकार इसके जरिए क्या सार्थक करना चाहती है, ऐतिहासिक खुशखबरी देना चाहती है, या फिर कुछ ऐसे कदम जो मानसून सत्र में रह गए थे बिल पास कराने, उन्हें पास कराने के लिए ला रही है। मानसून सत्र में एक बिल की बहुत ज़्यादा चर्चा थी जिसे पास नहीं कराया गया था, यानी मणिपुर हिंसा में वो बीत गया, उसके लिए टाइम नहीं मिला। वो है सामान्य नागरिक संहिता यानी UCC। अब सरकार इंडियन पैनल कोड के तहत कैसे पास कराएगी। बहरहाल मोदी सरकार ने अपने 10 साल के इस कार्यकाल के अंदर पहली बार विशेष सत्र बुलाया है। ये विशेष सत्र 13वां सत्र होगा और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। अमृतकाल के बीच संसद के विशेष सत्र के में सार्थक चर्चा की उम्मीद है। भारत सरकार को संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत संसद का विशेष सत्र बुलाने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत सरकार संसद को विशेष सत्र बुलाने के लिए सभी सांसदों को दावत दे सकती है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति इसका अंतिम निर्णय लेती है, जिसे देश के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से अंजाम दिया जाता है, जिसके जरिए सांसदों को विशेष सत्र के लिए अवगत करा दिया जाता है। इससे पहले 20 जुलाई से 11 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चला। सत्र में मणिपुर हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष मणिपुर के मामले को लेकर मौजूद बीजेपी सरकार को घेरता रहा। मणिपुर में भी बीजेपी की राज्य सरकार है, इसलिए मामला और अधिक गंभीर हो गया। मणिपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आई वो बेहद ही निंदनीय है। मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा आज भी थमने का नाम नहीं ले रही है। आधिकारिक आंकड़ों में 160 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। 10,000 हिंसा में घर जले और आग ने तबाही मचाई। 50,000 से ज़्यादा लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। इस मामले में सही सही रिपोर्ट तभी आ सकती है जब राज्य में सब कुछ सामान होगा। कुकी और मैतई के बीच लगातार आंकड़े भी धूल फाक रहे हैं। सभी जानते हैं जब तक अलग अलग एंगल से सही चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ सेंसर जैसा है, यानी इंटरनेट बैन है। चीज़ों को इधर से उधर ले जाना और सही आंकड़ा चुनना भी एक चुनौती है। तो दूसरी तरफ भारत सरकार ने UCC के मुद्दे पर यह कौन से ऐसे बिल हैं जिनके लिए विशेष सत्र बुलाया है। कुछ लोगों के कहने हैं कि भारत सरकार समय से पहले चुनाव कराएगी, क्योंकि सरकार के पास शीतकालीन सत्र होने के बावजूद स्पेशल सत्र इधर बुलाना बहुत अधिक सवाल उसके दावों पर भी खड़ा करता है। बहरहाल सरकार को अगर लगता है उसके पास शीतकालीन सत्र से ज़्यादा काम यानी मुद्दे हैं तो उससे पहले निपटा लेना चाहती है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव में भी कारगर, वहाँ के लोगों के लिए भी अपने पक्ष में करने के लिए हो सकते हैं। राजनीति में जारी उठापटक के बीच विशेष सत्र में 18 से 22 जुलाई के बीच क्या होता है, देखने वाली बात होगी। समय से पहले चुनाव को कमतर नहीं आका जा सकता, हो सकता है, क्योंकि इससे पहले देश की पूर्व भारत रत्न अटल बिहारी जी की सरकार ने इंडिया साइनिंग नारे के बाद समय से पहले लोकसभा भंग करके चुनाव कराया था, तो बीजेपी भी उनकी पार्टी है। खैर, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, और किसी भी मामले में पहले अंदेशा लगाना बिल्कुल सही नहीं है। विशेष सत्र हो सकता है मानसून सत्र में हुई हानि यानी जो समय बर्बाद हुआ है उन्हीं 5 दिन को इधर यूटिलाइज करने के लिए सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर जो मानसून सत्र में बिल रह गए हैं उन्हें पास कराने के लिए सत्र बुलाया है। लेकिन इस सत्र में भी हंगामा जारी रहने की उम्मीद है। विशाल की रिपोर्ट में विशाल गुप्ता को दीजिए इजाज़त।
आपके सामने सत्र में जो भी नया होगा लेकर आते रहें।